आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल ढाबा स्टाइल पालक वाली दाल, जिसे हम बिल्कुल आसान तरीके से बनाएंगे और ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। नमस्कार, होम कुक माही में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पालक वाली दाल, जो खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है और हेल्दी भी बहुत होती है। तो चलिए हम पालक वाली दाल की रेसिपी को शुरू करते हैं। पालक वाली दाल बनाने के लिए यहाँ हमने 5 से 7 लहसुन की कलियाँ कट करके ले ली हैं, साथ ही 1 इंच जितना अदरक का टुकड़ा कट कर लिया है, 1 मीडियम साइज टमाटर, 1 मीडियम साइज प्याज और 2 हरी मिर्च जिस तरह से हमने बीच में से कट करके लिया है। साथ ही यहाँ पे हमने फ्रेश पालक उसे अच्छे तरीके से वॉश कर लिया, उसके बाद छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। इसके साथ ही हमने यहाँ पे तुअर या अरहर की दाल, इसे हमने प्रेशर कुकर में बॉयल करके लिया है। अब हम सबसे पहले यहाँ एक कढ़ाही चढ़ा करके गरम कर लेंगे और उसमें ऐड करेंगे हम 1 चम्मच जितना तेल। हमें यहाँ पर तेल, अगर आप चाहें तो सिर्फ घी में भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा तेल यूज़ कर रही हूँ और मैं घी और तेल दोनों में मिक्स करके बनाऊँगी। इसके साथ ही हम डाल देंगे 2 तेज़पत्ता और 2 साबुत लाल मिर्च। साबुत लाल मिर्च का तड़का अगर आप देते हैं तो दाल का स्वाद जो है बहुत अच्छा आता है। इसके साथ ही हम डाल देंगे 1 चम्मच जितना जीरा और 1 पिंच जितनी हम इसमें डाल देंगे हींग। हींग के तड़के से दाल का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप कोई भी दाल बनाएं और उसमें हींग का तड़का दे दें तो स्वाद बहुत अच्छा आता है, तो आप हींग जरूर डालें। इसके साथ अब हम डाल देंगे इसमें हमारा ये अदरक और लहसुन, इसे हमें 1 मिनट तक पकाना है। अदरक लहसुन को हमें जलाना नहीं है, सिर्फ 1 मिनट तक उसका कच्चापन निकल जाए इतना ही हम इसे पकाएंगे। और बस इसके बाद हम इसमें डाल देंगे यहाँ हमने जो प्याज ली हुई थी, तो यहाँ मैं सारी प्याज इसमें ऐड कर दूंगी। और बस प्याज को भी हम अच्छे तरीके से तेल में मिक्स कर लेंगे। प्याज को हमें बढ़िया गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है, मतलब प्याज को हमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होने तक नहीं, एकदम अच्छा लाल हो जाए इतना हम पकाएंगे। तो यहाँ 3 से 4 मिनट के बाद देखेंगे तो प्याज हमारी जो है वो बढ़िया तरीके से लाल हो चुकी है, तो बस इतना हमें पकाना है। इसके बाद हम डाल देंगे जो हमने लिया हुआ था टमाटर, ये टमाटर हम सारा इसमें ऐड कर देंगे और प्याज के साथ बढ़िया से मिला देंगे। साथ ही 1 पिंच जितना हम नमक डालेंगे ताकि टमाटर जो है हमारा वो गल जाए। नमक बहुत ज़्यादा ना डालें क्योंकि हमने दाल में भी नमक डाल रखी है। अब हम इसे ढक कर के टमाटर के गलने तक पका लेंगे। यहाँ पे देखिए ढक्कन हटाएंगे तो हमारा टमाटर जो है वो बढ़िया तरीके से बिल्कुल गल गया है, प्याज के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। तो हम इसे इस तरह से मैश करते हुए मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे, 1 पिंच जितना हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। बस इन सबको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे प्याज और टमाटर के साथ में। और इसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पर हमने जो लिया था पालक, पालक हमें यहीं पर डाल देना है और इसके बाद हम इसे बढ़िया तरीके से मसालों के साथ में मिला लेंगे। बहुत सारे लोग दाल में ही पालक को बॉयल कर देते हैं। दाल में आप पालक को बॉयल करके बना सकते हैं, लेकिन उतना बढ़िया टेस्ट नहीं आता जितना अच्छा अगर आप पालक को मसालों के साथ में मिक्स करके बनाए तो। तो आप अगर चाहें तो, अगर आपको वैसे इजी पड़ रहा है कि आप दाल में पालक को कट करके बॉयल कर लें उसके बाद बनाएं, तो आप वैसे भी बना सकते हैं या फिर इस तरह से बनाइए जैसे मैं बना रही हूँ। इससे दाल का स्वाद जो है बहुत बढ़िया आता है और दाल देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद हम वापस से इसे ढक करके 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे ही पक जाने देंगे। 4 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाएंगे तो यहाँ देखिए हमारी पालक जो है वो बढ़िया तरीके से गल गई है और मसाले भी बढ़िया से मिक्स हो करके बढ़िया से पक करके तेल अलग कर दिए हैं। तो यहाँ हमारा जो पालक और मसाला है आपस में बहुत ही बढ़िया तरीके से मिक्स हो करके पक चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारी ये बॉयल की हुई दाल। यहाँ पर जो हमने दाल उबाल करके रखी थी वो हम सारी इसमें डाल देंगे बढ़िया तरीके से और बस इसे हम एकदम अच्छे से मसालों के साथ में मिक्स कर लेंगे। तो मैं इसे मिक्स कर देती हूँ अच्छे तरीके से।
अब यहाँ पर देखिए हमारी दाल जो है वो काफी गाढ़ी है, तो मैं इसमें एक कप जितना गर्म पानी ऐड करूंगी। जी हाँ, हमें दाल में गर्म पानी ही ऐड करना है, आप ठंडा पानी ऐड नहीं कीजिएगा वरना दाल और पानी जो है वो अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर गर्म पानी ही ऐड करें और बस अब हम इसमें ऐड कर देंगे आधी छोटी चम्मच जितना गरम मसाला। तो गरम मसाला ऑप्शनल है, अगर आप सिंपल तरीके से खाना चाहते हैं तो आप मसाला ऐड ना करें, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम मसाला दाल बना रहे हैं इसलिए इसमें हम मसाला ऐड कर रहे हैं। और बस इसे मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे यहाँ हमने जो हरी मिर्च कट करके रखी थी वो, और उसे भी मिलाकर हम इसे ढक देंगे इसी तरह से, और हम मीडियम फ्लेम पे इसे 10 मिनट तक कुक होने देंगे। 10 मिनट के बाद हमने ढक्कन हटाया तो ये देखिए हमारी दाल जो है वो बढ़िया तरीके से बिल्कुल पक गई है और उसका घी जो है वो भी ऊपर आ चुका है। तो बस अब हम दाल को उतार करके दूसरे साइड में रखेंगे और इधर एक तड़का पैन चढ़ा देंगे। तड़का पैन में हम घी डालेंगे एक चम्मच जितना, और इसमें हम ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच जितना जीरा। जीरा अच्छे तरीके से तड़क जाए तो हम इसमें एक लाल मिर्च तोड़कर डाल देंगे और आधी छोटी चम्मच जितना यहाँ पे हमने डाला है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और बस ये तड़का हम तुरंत ही दाल के ऊपर डाल देंगे। तड़का जलना नहीं चाहिए, हम तुरंत ही इसे दाल पर डाल देंगे और बस इसके बाद हम इसे मिक्स कर देंगे। हमारी दाल बनकर तैयार है, तो चलिए हम इसे सर्व कर लेते हैं। यहाँ हमने एक प्लेट में चावल ले लिया है और उसमें हम ये दाल डालेंगे, और ये देखिए हमारी दाल कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है देखने में, कितनी बढ़िया लग रही है ना बिल्कुल ढाबा स्टाइल। तो आप इस तरीके से पालक दाल की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नए अपडेट्स मिलते रहें। और हाँ, हमें ये बताना बिल्कुल भी ना भूलें कि हमें आपके लिए अगली रेसिपी कौन सी ले आनी है। साथ ही मैंने चना दाल फ्राई की रेसिपी भी डाल रखी है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू।